बिहारी मेंटेलिटी, बिहारी मेंटेलिटी आप ज़बरदस्त है। यहाँ पे लोगों को आपके ज़िंदगी में बहुत इंटरेस्ट है, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके घर में क्या चल रहा है। इट नेवर मैटर्स टू देम, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके घर में क्या चल रहा है, ये उनके लिए सबसे ज़्यादा कंसर्न का इशू। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कलेक्टर हैं, आप कौन से एग्ज़ाम क्लियर किए, अभी क्या कर रहे हैं, कल क्या कर रहे थे, कल क्या करेंगे, आपकी शादी हुई नहीं हुई, ये सारा मैटर उनके लिए डिस्कसेबल। उनका खुद का बेटा क्या करता है, इट नेवर मैटर्स टू मी। उनके बच्चे के लिए क्या उनको करना है, इससे कोई मतलब नहीं। उनका बच्चा अभी लफंगई कर रहा है, लुच्चाई कर रहा है, दारू पीता है, सिगरेट फूंकता है, किस चौक पे खड़ा है, क्या कर रहा है, इट नेवर मैटर्स टू देम। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या कर रहे हो। उनका समय आपके लिए, आपके लिए एडवाइस, सजेशन, आपके पिताजी से जब भी मिले, अच्छा बताइए अंकल रमेश जो है वो क्या कर रहा है, मतलब या घर में ही बैठा रहता है या कुछ आगे किया भी है। आप नहीं पूछ सकते कि अंकल आपका बेटा क्या कर रहा है, पूछ ही नहीं सकते भाई, आपको पता है। तो हमारे और दूसरा चीज़, आप अपने घर में डिस्कशन कर रहे हैं, इवन ही डजेंट नो यू, फिर भी हो सकता है कि वो आपका पड़ोस है तो वो अपने घर में बैठे बैठे आपको सजेस्ट कर देगा। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये गजब होगा, वो आपको जाने या ना जाने, आप उसको जाने या ना जाने, पर उसको आपके बारे में सब कुछ पता है। आप हर बार यही सोचिएगा, भाई इसको मेरे बारे में सब कुछ पता कैसे चला जाता है। पर अजीब तरह का इंटरेस्ट है भाई, दूसरों की लाइफ में अजब इंटरेस्ट है, नाक झा मतलब झांकना, आपकी चीज़ में इंटरफेयर करना, आपके माँ बाप से आपके बारे में पूछना, आपका क्या स्थिति चल रहा है, आपकी बेटी की शादी हुई कि नहीं, आपके बेटा का शादी हुआ कि नहीं हुआ, आपका रियल सिचुएशन क्या है, इससे कोई मतलब नहीं होगा। अजीब तरह का इंटरेस्ट है आपके मैटर में यार, कान लगा के सुनना भाई। और हो सकता है वो अपने घर से ही आपके घर में इंटरफेयर कर दे, इतना भी कंट्रोल नहीं है भाई। ऑल टाइम पूरे मोहल्ले का न्यूज़ रखना, सबके मानना, सबका बेटा क्या कर रहा है, किसका बेटा कहाँ पहुँचा, अभी किसका बेटा कहाँ पोस्टेड है, एवरीथिंग दे नीड टू नो। पर आप ये बिल्कुल नहीं पूछ सकते कि अंकल आपका लड़का क्या कर, मतलब आप पूछ ही नहीं सकते। हो सकता है उनका भी बच्चा किसी चौराहे पे पान खा रहा हो, सिगरेट फूंक रहा हो, गज कोई मतलब उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके बेटे का भी क्या पोजीशन है, कोई लेना नहीं। पर उनका आपके लिए हमेशा सजेशन अवेलेबल है। लगभग आप मेरे बिहार में आइएगा तो आपको घर घर में प्रॉब्लम मिलेगा। लोगों को दूसरे के लाइफ में इतना इंटरेस्ट है, ये पता नहीं कि सारे हिंदुस्तान में है। अरे भाई तुम खुद खाओ, दूसरे को खाने दो यार, खुद जियो, दूसरे को जीने दो, क्यों मार रहे हो भाई अपने लाइफ में। और ज़्यादा कंसंट्रेट करो भाई, दूसरे की ज़िंदगी को क्यों ख़राब, मतलब जानने में इतना इंटरेस्ट है क्यों, पता नहीं, ऐसा लगता है तुम सब कुछ अचीव कर चुके और बस तुमको दूसरे का डेवलपमेंट कराना है। तो पता नहीं मेरे बिहार में, मेरे लोकेलिटी में तो यही हालत है भाई, हर किसी को अपना इंटरेस्ट है, मतलब हर कोई आपको सजेस्ट कर रहा है, हर कोई बता रहा है बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले, बेटा शादी क्यों नहीं कर रहा है, बेटा अभी तक मतलब इस तरह घूम क्यों रहा है भाई, और क्या बेटा तुमको हमेशा यही हम क्यों देखते हैं, बेटा बेटा तुम्हारा भाई कहाँ क्या कर रहा है, दीदी की शादी हुई कि नहीं हुई, और क्यों नहीं हुई भाई, पापा को तुम बोलते नहीं भाई, कोई लड़का देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो भाई, हर प्रॉब्लम उनको जानना है भाई, हर चीज़ में उनको राय देना है, उनको इससे भी कोई बात नहीं कि आपका सिचुएशन क्या है, बस इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है ऐसा। तो गॉसिप में तो आपस में बात करके आपके डिस्कशन का टॉपिक है उनके, और उसी में वो खुश होते हैं। पता नहीं दुनिया देश के बाकी पार्टों में क्या है, पर मेरे आसपास के एरिया में तो पक्का है।